हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। फ्रेंड्स, अभी हम जो एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, आप लोगों ने बहुत बार डिमांड की कि सर HCS मेंस के लिए, तो अभी हम बैच शुरू कर रहे हैं। ज्वाइंट बैच है फ्रेंड्स, HCS मेंस, UPSC मेंस और साथ में फ्रेंड्स बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस। मतलब फ्रेंड्स, आप किसी भी स्टेट PCS की तैयारी करें, आपको मेंस के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आप लोग देख लीजिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी एवं अरब यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व का आकलन कीजिए, 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन दोबारा से सुन लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट भी आ सकता है। भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी एवं अरबी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व का आकलन कीजिए। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के कैसे आ सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ चीनी यात्रियों के बारे में पूछ सकता है या सिर्फ और सिर्फ अरब यात्रियों के बारे में पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के अंदर आपको जो है दोनों के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ मैं डेली आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि डेली आपको एक क्वेश्चन करना है या डेली दो क्वेश्चन करने हैं। फ्रेंड्स, मीडियम हिंदी रहेगा जो ये यहाँ पर क्वेश्चन लिखा होगा, मैं उसको इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, साथ में बता दूंगा कि आपने आंसर में क्या क्या लिखना है। इसके साथ फ्रेंड्स, एक और चीज आपको जो है एडिशनल दी जाएगी। एडिशनल कैसे कि फ्रेंड्स, हमारा जो फेसबुक पेज आप लाइक कर लीजिए, फेसबुक पेज पर ये क्वेश्चन जो है, ये जो सेम क्वेश्चन है फेसबुक पेज पर आपको वहां पर टाइप किया मिल जाएगा, वहां पर लिखा हुआ क्वेश्चन है। और आपको क्या करना है, जैसे हम आपको यहाँ पर समझा देंगे कि इसके आंसर में आपको 150 शब्दों में क्या क्या लिखना है, तो आप आंसर प्रैक्टिस के तौर पर वहां पर क्या है, एक पेज पे आंसर लिख के वहां पर अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि फेसबुक पर आप लोग आंसर अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पर यूट्यूब के कमेंट में आप आंसर अपलोड नहीं कर सकते, तो FB पर आप लोग क्या है वहां पर जाकर क्वेश्चन का आंसर, वहां पर जो है पेज अपनी फोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, या फिर लिख भी सकते हैं। अगर कोई लिखना चाहे तो वो तो यूट्यूब पर भी आंसर लिख सकता है, कोई हिंदी के अंदर लिखना चाहे या फिर इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज के अंदर आप लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन में भी आपको उसके अंदर थोड़ा सा बता देता हूँ कि ओवरऑल थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि भारत के अंदर चीनी यात्री कौन कौन से आए थे, लेकिन जब नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूंगा, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं था, ये सिर्फ हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हम नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स के साथ एंगेज होते हैं, कितने इस वीडियो को लाइक करते हैं, उससे पता चलेगा कि हाँ इस जो है इस बैच में कितना जो है पोटेंशियल रहेगा, स्टूडेंट्स कितने इसमें साथ में जुड़ेंगे। तो प्लीज लाइक कीजिए, दूसरे तक इसको पहुंचाइए, और studymasterofficial.com पर आपको जो है PDFs अवेलेबल हो जाएंगी, टेलीग्राम पर आपको नई नई अपडेट्स और क्वेश्चन जो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि सबसे पहले भारत में चीनी यात्री कौन कौन से आए थे, देख लीजिए चीनी यात्री, क्योंकि इसके अंदर लिखना अपने चीनी यात्रियों के बारे में है। अभी भारत की पुनर्रचना में, भारत को दोबारा से रचना की गई है, तो उसमें यात्रियों का क्या योगदान है, इसी को बताया गया, इसके बारे में है। तो आपको पता है कि पुराने टाइम में बहुत सारे यात्री यहाँ पर आए थे इंडिया के अंदर, तो अलग अलग राजाओं के टाइम पे आए थे, अलग अलग जो है वहां पर जितने भी जो राज कर रहे थे उनके टाइम पे आए थे, तो कुछ ग्रंथ पढ़ने के लिए आए थे, कुछ यहाँ पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक देखने आए थे कि भारत कैसा है, कुछ यहाँ पर समुद्र के रास्ते आए थे, कुछ धरती के रास्ते से आए थे, मतलब अर्थ से, मतलब कि जो लैंड से आए थे, सड़क रोड से आए थे। तो अभी आपको हम बता देते हैं भारत के अंदर चीनी यात्री कौन कौन से आए थे। पहला तो है फ्रेंड्स फाहयान, फाहयान जो है चीनी यात्री है ये जो भारत के अंदर आया था, ओके। तो ये भारत के अंदर कब आया था, ये 514 ईस्वी में आया था, और इसने क्या किया, भारत श्रीलंका और नेपाल की जितने भी धार्मिक स्थल थे उनकी यात्रा की थी इन्होंने, तो ये धर्म के बारे में पढ़ने के लिए आया था चीन से। दूसरा आया था फ्रेंड्स हेनसांग, अब हेनसांग देख लीजिए, ये यहाँ पर 10 वर्षों तक यहाँ पर रहे थे और ये हर्षवर्धन के काल में आए थे। इन्होंने यहाँ पर रहने के बाद एक पुस्तक लिखी थी, सीयू की नाम की पुस्तक लिखी थी इन्होंने, और इसके अंदर जो भारत की इन्होंने अलग अलग चीजों के बारे में वर्णन किया था कि भारत के अंदर जितनी भी इन्होंने यात्राएं की थी, जो जो इन्होंने देखा वो सारा इसके अंदर इन्होंने बताया था। नेक्स्ट फ्रेंड चीनी यात्री आए थे इत्सिंग, तो ये भी यहाँ पर 10 वर्षों तक रहे थे, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में रहे थे और वहां पर इन्होंने अध्ययन भी किया और वहां पर इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी इन्होंने रिसर्च की और बहुत सारा उनके बारे में पढ़ा। अब फ्रेंड्स ये तो थे हमारे चीनी यात्री, तीन तो ये महत्वपूर्ण चीनी यात्री थे। और फ्रेंड्स मैं इससे पहले बता रहा हूँ, ये हमारा सिर्फ ओवरव्यू है, जब हम आपको लेक्चर देंगे तो आपको एक क्वेश्चन पे 10 से 12 मिनट लगाया करेंगे, आपको पूरी डिटेल में बताया करेंगे, फिर आप उसका आंसर राइटिंग उसके बाद करेंगे। अब फ्रेंड्स जो अरबी यात्री आए थे, अरब के कौन कौन से यात्री आए थे यहाँ पर देख लीजिए, आपको वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ, आप खुद भी फ्रेंड्स इसका आंसर लिख सकते हैं, अगर किसी को आंसर आता हो तो आप लिख कर नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर मैं ये लिख सकता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आया था इब्न बतूता, ये अरबी यात्री था। दूसरे थे अलबरूनी, याद रख लीजिए, तो फ्रेंड्स ये जो दो महत्वपूर्ण यात्री थे जो यहाँ भारत के अंदर आए थे, अरब से आए थे ये,
तो इनकी अलग अलग इन्होंने पुस्तकें लिखी, यहाँ पर रहे और इन्होंने बहुत कुछ पढ़ा यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हम जो है सुल्तानों के बारे में उन्होंने पढ़ा, उनके साथ रहे, तो ये सारी चीज़ें आपको जो जब लेक्चर शुरू कर जाएंगे तब शुरू की जाएंगी। अगर आपको मेरा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर अच्छा लगा हो कि हाँ सर आप जल्दी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि HCS मेन्स में भी टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी ये शायद मेन्स जो इलेक्शन के बाद होगा, और UPSC मेंस के भी अभी टाइम है थोड़ा सा, UPSC मेंस की भी आपको पूरी अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी, या फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। फ्रेंड्स किसी भी स्टेट PCS का अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं या फिर प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी और आपका जो है सारी चीज़ें, आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। आप हमारा फेसबुक पेज जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया गया है फेसबुक पेज का, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया गया है और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी नीचे दिया गया है। आप सारी चीज़ें ज्वाइन कर लीजिए और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे लाइक करके बता दीजिए, और आप एक क्वेश्चन चाहते हैं या फिर दो क्वेश्चन चाहते हैं। चलिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ हो।